अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हमजा यूसुफ़ई। यूट्यूब मार्केटिंग के एक और वीडियो में आप लोगों का वेलकम हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट वीडियो में हमने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें हमने एक टाइटल दिया था, साथ में हमने टैग भी दिए थे और उसको रैंक करने की कोशिश की थी। तो आज की इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि किस तरह आप यूट्यूब का जो वीडियो है उसका एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकें, क्योंकि यूट्यूब मार्केटिंग के फील्ड में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे कि जो आपको कहेंगे कि आप हमारे लिए एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाओ जिससे देख के लोग उसको व्यू कर सकें। और साथ में आप लोगों को ऐसे फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर भी ऐसे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं जिसमें लोग जो हैं अपनी यूट्यूब थंबनेल के लिए लोगों को हायर करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस सिंगल वीडियो से जो है ना आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो हायर करते हैं एक्सटर्नल डिज़ाइनर्स को, कहते हैं कि आप हमारे लिए यूट्यूब चैनल के लिए जस्ट आप थंबनेल बना दें। तो आप इससे भी बहुत अच्छे यहाँ से पैसे कमा सकते हैं अगर ये वीडियो अपने लास्ट तक देख ली। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के होने वाली है, तो लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो है, अब इस पे हम इसका हम थंबनेल बनाएंगे, ठीक है। अब ये वीडियो किस किस के बारे में है, इस वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो, ये लास्ट वाली वीडियो है, फर्स्ट जो आपने इससे पहले देखी। तो इसमें हमने क्या है, टैग लगाया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो का थंबनेल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम थंबनेल लगाएंगे, लेकिन थंबनेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थंबनेल के लिए हम कैनवा यूज़ करेंगे, जो कि इसमें रेडीमेड आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑल योर डिज़ाइंस पे आता हूँ और यहाँ पर मैं इस डिज़ाइन को जो है वो कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं एक थंबनेल के लिए बना चुका था, ये आप लोग देख लीजिए। तो अब ये मैं यहाँ से सिंपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग कैनवा में, जब आप कैनवा में आते हो ना, यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक कर देते हो, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रेडीमेड डिज़ाइंस मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये है, ये है, ये है। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, इस डिज़ाइन को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इस डिज़ाइन को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो सिंपल मैं तो इसका ये साइड पे कर देता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करके डिलीट मारता हूँ, तो डिलीट हो गया। अब मैं क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अब इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसका यहाँ पर कुछ था, हाँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस तरह कलर पे कर देता हूँ। इस अब ये आ गया ऐसे। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम देखते हैं कि कौन सा कलर, इस पर ब्लू कलर सही जचेगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये तो हमारे पास राइटिंग का वो है, इसको मैं ऑल सेलेक्ट करके ऐसे करता हूँ। यहाँ पर हाउ टू तो ठीक है, इसकी जगह कहेंगे रैंक वीडियो ऑन यूट्यूब, ये इसका टाइटल होना चाहिए, TUBE, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हो गया। अब इसके जो नीचे वाला जो बैकग्राउंड है इसको भी मैं ऐसे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है, इजी, ये रहा हाउ टू रैंक वीडियो ऑन यूट्यूब। अब ये तो इसको मैं ऐसे करके हो गया, ठीक है। अब हाउ टू थोड़ा सा छोटा है तो इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर 2020 है तो 2022 की जगह ऐसे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा YouTube मार्केटिंग ज़बरदस्त रहेगा, YOUTUBE YouTube MARKETING मार्केटिंग, इसको ऑल सेलेक्ट करके और इसका मैं साइज़ यहाँ से सिंपल छोटा कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया है इसका साइज़ छोटा, ओके। अब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और हाउ टू को थोड़ा सेंटर में कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर हम कहीं पर यूट्यूब का जो लोगो है वो भी लगाना चाहेंगे, ठीक है। इस एरो के साथ क्या करना है मैं बता देता हूँ, फिलहाल हम इसको ऐसे करते हैं और ये हो गया। अब यहाँ पर यूट्यूब का लोगो भी लगाना है, चूँकि दिखे ना कि यूट्यूब
से रिलेटेड कुछ है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब आइकन सर्च कर देता हूँ, ये आ गया हमारे पास यूट्यूब का लोगो, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया पोजीशन पे, मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं बैकवर्ड करूँगा। ठीक है, अब ये जो है ये थोड़ा क्रिएटिव वर्क है। क्रिएटिव वर्क ऐसा कि आप अपने माइंड से रिलेटेड डिज़ाइन आप ढूंढोगे ताकि अट्रैक्टिव बने। ये हो गया। अब इस पे मैंने यहाँ पर कुछ क्या बनाना है, यहाँ पर इस एरिया में मुझे एक पिक्चर लगाना है जो टैग से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ऑलरेडी मैं, अगर आप लोग देख लीजिए तो मेरे पास ये वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो इस वीडियो के अगर आप टैग देखिए तो ये तमाम टैग्स कितने रैंक है तमाम, तो इसका मैं यहाँ से कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर जाता हूँ अपने स्क्रीनशॉट्स एरिया में। ये देखिए, ये मिल गया मेरे पास स्क्रीनशॉट। अब मुझे इसको क्रॉप कर देना है। ठीक है, ये रहा, इसको सिंपल क्रॉप कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया है क्रॉप। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब फिर से मुझे कैनवा में आना है। ठीक है, ये रहा कैनवा, और यहाँ से मैं अपलोड पे क्लिक करके, अपलोड मीडिया पे क्लिक करके, और जो हमारा पिक्चर है वो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट, और ये रहा पिक्चर। ठीक है, अब ये पिक्चर अपलोड हो चुका है। अब मैं इस पिक्चर को उठा करके ना यहाँ लगाऊँगा। ठीक है, ये रहा, लग गया, हो गया। अच्छा जी, अब इस एरो का क्या करते हैं, इस एरो का तो हम फ्लिप कर देते हैं पहले, यहाँ से मैं फ्लिप करके, फ्लिप हॉरिजेंटली हो गया, अब फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजेंटली, अब ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे करके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके, और इसको ऐसे, ताकि ये पता चले ना कि इसको मैंने कुछ दिया है। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। अब इसका पोजीशन मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, और एरो का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो एरो का कलर ब्लू अच्छा रहेगा, तो मैं ब्लू कर देता हूँ। ब्लू सही नहीं है, वाइट भी सही नहीं, रेड कैसा रहेगा, येलो, येलो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया है येलो। अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो हमारा वो है थंबनेल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं YouTube मार्केटिंग का जो साइज है मैंने उसको और भी बड़ा कर दिया। हाउ टू रैंक वीडियो ऑन YouTube, ये हमारा थंबनेल बन चुका है, ये हमारे टैग्स बन चुके हैं, और थंबनेल भी बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग कुछ और भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये YouTube अपनी जगह इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, और ये ठीक रहे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा YouTube का जो स्माइल आइकन हो, SMILE स्माइल, नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ ना इसमें स्माइल बने, SMILE, ओके, यहाँ से नहीं मिल रहा है ना, मैं गूगल में सर्च कर देता हूँ, वो यूट्यूब स्माइल करता है ना, वो आइकन मुझे चाहिए, यूट्यूब लोगो, यहाँ पर लोगो स्माइल आइकन, ये तो खपा है, गुस्सा है, हंसने वाले यूट्यूब नहीं है। चलो छोड़ देते हैं, इतना काफी है, फिर ज्यादा ओवर लगेगा। अगर कुछ मिला इसमें, लेकिन कुछ खास है नहीं इसके अलावा। यूट्यूब अगर हम मार्केटिंग सर्च कर लें, MARKETING मार्केटिंग, हाँ ये ठीक रहेगा, इसको डाल देते हैं। इसका
क्रैप को डाल देते हैं। ये लो स्पीकर अच्छा है, सबसे अच्छा। इसको डिलीट करके ये लगा लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके, ओ है, सबसे बेस्ट हो गया, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे, और यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए, YouTube मार्केटिंग हमारा थंबनेल कितना परफेक्ट बन चुका है, बिल्कुल अट्रैक्टिव बन चुका है, ठीक है। अभी इसको मैं पोजीशन इसका मैं बैकवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ गया, इसका पोजीशन बैकवर्ड हो गया। अभी थंबनेल देखिए कितना अट्रैक्टिव थंबनेल बन चुका है। तो इस तरह का थंबनेल आप बना सकते हैं लोगों के लिए, अपने चैनल के लिए। और जब ये थंबनेल लोग देखते हैं तो 100% चांस होते हैं कि इस पर क्लिक करें और आपकी वीडियो को देख लीजिए। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे, हम इसको PNG फॉर्म में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और इस पे मैं जस्ट सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करके, ये हो गई डाउनलोड। अब हमने सिंपल यहाँ पर आ करके ना, इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक करके, जहाँ पर हमने थंबनेल को डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट करके, हमारा थंबनेल लग गया। और फिर हम इसको पोस्ट कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके पोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।